अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बेटियां, मेरे प्यारे बेटे कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशाबाद होंगे, अल्लाह पाक की रहमत हो। और कल पूरा दिन हमारी लाइट नहीं रही, हमारा वो मोबाइल भी ऑफ हो गया था, तो पूरी रात हमने ये देखो ये दिए जला जला के रात गुजारी है। रात को 2 बजे तकरीबन लाइट आई है, तो ऐसे हम लेटे रहे। खाना बाजार से मंगवाया, ये तेल लेके आई थी, कपास ढूंढी, फिर ये दिया बना के वो जलाया। शुक्र है अल्लाह का कि आप उठे हैं तो लाइट आ गई है। पानी भी बिल्कुल नहीं था, पानी भी बाहर से आहद लेके आया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और कल जो हमारा दिन गुजरा है ना, बड़ा मुश्किल गुजरा है, लाइट के बगैर, पानी के बगैर। कल हम इतने वो हुए कि खाना भी नहीं पका सक रहे थे। लाइट चली गई थी ना, तो बर्तन भी नहीं धोए। सुबह सुबह लाइट गई है 7:30 बजे, तो उस टाइम जो है ना, अभी नाश्ता ही हम लोग कर रहे थे, तो अब्दुल्ला स्कूल चला गया, फिर नाश्ते के बर्तन हम धो ही नहीं पाए क्योंकि लाइट जाने की वजह से पानी भी खत्म था। हमने सोचा कि आ जाएगी 2-3 घंटे बाद, चलो, हाँ भाई, लेकिन ताज़ा वो पानी बताओ। भरते हैं ना, इसीलिए भी ठंडा ना हो जाता है ना, हाँ, वो तो तो फिर मैंने कहा बाद टैंक की में भरती हूँ। हाँ पता बोलो। चला कि वो तो लंबी गई है, कहीं ब्रेक डाउन हो गया था। तो अक्सर शहरों में नहीं थी लाइट, तो मेरा जो मोबाइल है फिर वो भी आहिस्ता आहिस्ता डाउन होता होता वो भी बंद हो गया। और शाम के टाइम ना घर में पानी, ना खाना, और मोबाइल भी ऑफ। तो बस फिर बड़े मामू आए थे, वो कहीं से पानी भर के ले आए पीने का, तो बस इतना ही हुआ कि भाई पी सकते थे। खाना जो है ना, वो फिर सालन पकाया, आलू मेथी बनाए थे, और रोटी जो है ना वो तंदूर से मंगवाई। घर में ना आटा गूंदने के वो पानी नहीं था, बर्तन वैसे भी सही नहीं थे, साफ नहीं थे। तो रात को फिर जब अंधेरा हो गया, मोबाइल भी बंद था, फिर नहीं, टॉर्च नहीं थी जलाने के लिए, रोशनी गई है, फिर हाँ, हमने दिया जलाया। पुराने जमाने में हम लोग पहुंच गए। वो मैंने दिखाया अंदर जो बनाया तो था कल रात हमारा को। दिन जो है ना ऐसे गुजरा, बड़ा मुश्किल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुजर हाँ, गया। फिर रात को जो है ना 2 बजे लाइट आई थी, शुक्र है। तो अभी जो है ना, आज सारे काम कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह। अभी अम्मी ने सुबह को रोटियां बना के रख दी थी, 5 बजे गैस होती है ना, तो अम्मी ने सुबह सुबह अब्दुल्ला के लिए भी रोटी बनाई है स्कूल जाने के लिए, वो नाश्ता करके जाता है ना, तो अम्मी ने फिर हमारी भी बना ली थी, मेरी और अपनी रोटी भी बना ली। तो अभी अब हम अब्दुल्ला को भेज कर अब अपने लिए चाय बना रहे हैं, उसको तो सालन के साथ रोटी खिला दी। अपना नाश्ता अब करते हैं। दूध भी मैं शापर में ले आई हूँ। आज बर्तन धो तो टाइम लगेगा, आहत को छोड़ना था स्कूल, तो फिर सही दूध बात वापसी में ले आई हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चाय का एक कप ज़्यादा बनाते हैं, कभी कभी भाईजान आ जाते हैं ना, मेरे भाई जेठ जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक है? आज मैं बना रही हूँ चावल, चाइनीज चावल, चाइनीज चावल, सब्जी वाले सब्जी चावल। वाले। हाँ जी, तो आज इन्होंने हमें भी मना कर दिया कि आप कुछ ना बनाओ। ये देखें, तो मैंने कहा थोड़ी सी आप बातचीत कर लूं, जब ना बाहर बैठी है। नहीं आ गई? बुनाई हो रही है, अच्छा, ये आप बंद को भी डालेंगे बाद में, क्योंकि ये ज्यादा हो जाती है, ज्यादा हाँ नरम हो गल जाती है। जाती है। अभी हाँ जी, इसमें डालते हैं पानी। पानी सही। मैंने नाप लिया था, 1 किलो चावल है, 2 किलो पानी है। 2 किलो पानी जी। बिल्कुल, धो दिए और धो के लिए
सही है। टिक्की कौन बना रहा है या फिर कोई बिरयानी बना रहा है? बिरयानी बन रही है आज भी। सब्जी वाली बिरयानी हमारी बन रही है आज नबीहा की। जाओ दही ले के आओ। तभी तो बोल रही हूं कितनी अच्छी खुश प्यारी है। मैंने कहा शायद टिक्की बन रही है या फिर बिरयानी बन रही है। चावल दम पे आ गए हैं। दम देते हैं। आज हजारा जारा खड़ी है। जारा आज क्या है आपको? इधर तो देखो। बुखार है। बुखार है। दवाई पी है? हाँ। आज जारा को बुखार है। फिर किधर भेजोगे विक्कियों को है? किसको भेजोगे? ये जो आंटियां देखती हैं हमारे ब्लॉग वो देखेंगी। क्या हुआ? हाँ जी चावल में से आ रही है लेकिन गंदी खुशबू तो। चलो इसको रख दो, चावल खा लो बेटा। ये देखें ये है चावल और साथ में शमाला ने चटनी भी बनाई है और साथ में ये मूली है। थोड़ा सा मूली को कद्दूकश करके ना सलाद के तौर पे। तो चलें किसी ने खाने है चावल तो आ जाए हमारे पास। जिसने खाना है चावल वो आ जाए खाना खा ले हमारे साथ। अब्दुल अहद आ जाओ। ये जो क्लिप्स आप लोगों ने देखे हैं शुमाइला ने चावल जो है ना ये परसों बनाए थे, ये परसों के रखे हुए थे तो ये व्लॉग में मैंने कहा चलें शामिल कर लूं। और आज बस इतना ही व्लॉग है। कल लाइट की वजह से ना कुछ भी हम व्लॉग नहीं बना पाए। मोबाइल भी बंद हो गया था क्योंकि घर के सारे काम अधूरे रह गए, कुछ भी नहीं हो सका तो व्लॉग भी इतना सही तरह से नहीं बन पाया। तो आज इंशाल्लाह अब व्लॉग बनाएंगे जो आप लोगों के साथ फिर कल शेयर करेंगे। आज का व्लॉग बस इतना ही है। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि जो वीडियो फुल वॉच की जाती है ना तो फिर उसका ये होता है कि यूट्यूब देखता है कि ये वीडियो जो है ना फुल देख रहे हैं लोग, तो इस वीडियो में कोई वाकई कोई बात है, मतलब ये अच्छी वीडियो है तो इसको फिर मुझे आगे प्रमोट करना चाहिए, फिर यूट्यूब खुद उस वीडियो को आगे प्रमोट करता है। तो प्लीज़ आप लोग जो है ना मेरी वीडियो को पूरा देख लिया करें। आप अगर देखने का दिल नहीं करता तो चला कर उसको साइड पर रख दिया करें, लेकिन उसको पूरा चलने दिया करें। इससे ये है कि मेरा थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, मेरा और अम्मी का फ़ायदा हो जाएगा। जब मैं और अम्मी मेहनत कर रहे हैं तो उसका हमें थोड़ा फल मिल जाएगा हमारी मेहनत का। तो प्लीज़ पूरी देखा करें हमारी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपसे नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए और आज इंशाल्लाह अच्छा सा व्लॉग बनाएंगे जो आप लोगों के साथ कल फिर शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो कल मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।